गांधी मैदान से एसी बस में यहाँ से डायरेक्ट राजगीर के लिए गाड़ी जा रही है, और मेरे पीछे देख सकते हैं अभी पूरा सीट खाली है। यहाँ से 10-15 मिनट के बाद यहाँ से डायरेक्ट राजगीर के लिए गाड़ी खुलेगी और यहाँ से हम लोग राजगीर पहुँच जाएंगे 2-3 घंटे में। बहुत बेहतरीन बस है ये गाड़ी। सुबह 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास गांधी मैदान से खुलती है और आपकी राजगीर 10:30 से 11:15 बजे पहुँच जाती है और वापस ये 12:40 में वहाँ से राजगीर से लौट जाती है और ये शाम के 3-4 बजे तक पटना पहुँच जाती है। ये राजगीर का ब्रह्मकुंड है, यहीं से आपको या तो बस स्टैंड से भी आप डायरेक्ट क्रांति स्तूपा तक जा सकते हैं या आप ब्रह्मकुंड आकर के यहाँ से भी आप घोड़ा गाड़ी लेकर के स्तूपा तक जा सकते हैं। टोटो में बैठ गया हूँ और यहाँ से भी हमारी टोटो कुंड से खुल गई है और अभी हम शांति स्तूपा जा रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये राजगीर का विश्व शांति स्तूपा का मेन गेट है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर विश्व शांति स्तूप है। इसके लिए रोपवे भी है क्योंकि रोपवे पहले रोपवे से अभी मॉडर्न रोपवे लग गया है, तो उस रोपवे में जब चढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। अभी मैं पैदल ही मेन रोड से शांति स्तूप की ओर जा रहा हूँ और 1 किलोमीटर जो कि यहाँ से शांति स्तूप है, तो मैं इस नज़ारे का आनंद लेते हुए बस 15 से 20 मिनट पहुंच जाऊंगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहले के ज़माना में जो घर का नक्शा बनाया जाता था, यहाँ लोग घर होता था, ये इसी तरह पत्थर का गोल 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 राउंड बना करके ये घर बनाया जाता था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये राजगीर शांति स्तूपा का टैक्सी तांगा स्टैंड बोलिए, टैक्सी स्टैंड बोलिए, कुछ भी, यहाँ से तांगा आपको फिर मिलेगी वापस बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यह घोड़ा कटोरा लेक जाने का टोटो स्टैंड है। यह टोटो स्टैंड रोपवे के पास ही है जिसमें एक व्यक्ति का आने जाने का किराया मात्र 100 रुपया है। अभी राजगीर शांति स्तूपा से घोड़ा कटोरा के लिए टोटो में बैठ के जा रहे हैं, पर प्रति व्यक्ति 100 रुपया चार्ज लगता है आने और जाने का। अगर आप लोग रूट पे रहेंगे तो आपको आसानी होगा जाने के लिए, नहीं तो शेयरिंग में आपको वेट करना पड़ सकता है, नहीं तो आप रिजर्व करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ से शांति स्तूपा से 6.5 किलोमीटर दूर घोड़ा कटोरा है। हम लोग घोड़ा कटोरा की ओर जाते हुए और ये चारों तरफ पहाड़ों के बीच जंगलों के बीच से रास्ता जाता है घोड़ा कटोरा लेक, और उसी के बीच में 70 फीट की बुद्ध की प्रतिमा भी है, वहाँ पे बोटिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो जो नज़ारा होगा आप लोगों से दिखाऊंगा। और सामने पहाड़ के ऊपर विश्व शांति स्तूप, पहले घोड़ा कटोरा जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ही होता था, आजकल अभी टुक टुक चलने लगा है। और अभी रोड तो यहाँ पर कच्ची ही है, आगे देखिए इन फ्यूचर रोड पक्की बन जाएगा। एक पक्षी ये सभी जंगल के बीच से नज़ारा जाते हुए कुछ देर में आप घोड़ा कटोरा पहुंच जाएंगे। सभी जंगल के बीच से रास्ता इस शांति स्तूप से 6.5 किलोमीटर दूर आपका घोड़ा कटोरा लेक। अब भी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और जो नज़ारा होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और ये सामने घोड़ा कटोरा लेक आ गया है।
घोड़ा कटोरा लेक में 40 वो लगता है बोटिंग के लिए। अभी मैं बत्तख को बिस्किट खिला रहा हूँ और देखते हैं यहाँ का नजारा। आप देख सकते हैं मामू है, मेरा मामू अभी हम बोटिंग करते हुए और बोटिंग का आनंद लेते हुए और देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा, बत्तख को भी दाना डालते हुए। अभी हम बोटिंग करते हुए और यहाँ बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। पीछे बुद्धा अभी बस एंजॉय करते हुए और सामने वाला बुद्धा मूर्ति तक जाएंगे, वहां तक मैं जाते हुए और कुछ देर में वहां तक पहुंच जाएंगे। इस 70 फीट प्रतिमा के उस पार बहुत ज़्यादा गहरा पानी है और इधर तक पानी कम है, लेकिन मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया है। ये बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा। धीरे जा रहे हैं एंजॉय करते हुए घोड़ा कटोरा लेक में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप राजकीय शांति स्तूप आएँ तो घोड़ा कटोरा लेक जरूर आएँ। घोड़ा कटोरा लेक के सामने घोड़ा कटोरा इको पार्क है, इसमें भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं घोड़ा कटोरा लेक, यही आप मेरे पीछे से देख सकते हैं। यहाँ से रोप वे के लिए टिकट मिलती है और पर पर्सन 80 रुपये चार्ज लगता है। अब कुछ देर में रोप वे पर जाएंगे। ये टिकट हमारा रोपवे की ओर जा रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद ऊपर पहुंच जाएंगे। रोपवे की ओर हम रोपवे की ओर जा रहे हैं, बस कुछ टाइम लगेगा। कुछ देर में ऊपर पहुंचेंगे, उसके बाद हो सकता है कि मेरा बस छूट जाए तो मैं ट्रेन से फिर पटना जाऊंगा।
अभी रोप वे में बैठ गया हूँ और अभी कुछ देर में ऊपर पहुँच जाऊँगा। ये पहले जो रोप वे चल रहा है, अभी नया वाला रोप वे आप देख सकते हैं उस साइड में बना है, और ये पुराना वाला रोप वे जिसमें मैं पहले भी बहुत बार सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन मैं पहले ब्लॉग नहीं बनाता था, अभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो अभी वीडियो में भी आपको इंक्लूड कर दूँगा। ये कुछ देर में आप ऊपर पहुंच जाएगी और वापस वही किराया जो पहले किराया था 80 रुपया अप डाउन का। और अब देख सकते हैं जाते हुए, और ये सब नज़ारा सीनरी। ऊपर पहुंच गए हैं, यहाँ से कुछ देर घूमेंगे उसके बाद वापस लौटेंगे। का शांति स्तूप का मेन गेट, और ये राजगीर शांति स्तूप में हम प्रवेश कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं ये राजगीर शांति स्तूप है, और ये जो बुद्ध का जो अस्थि अवशेष है उसी को यहाँ पे रखा गया है। और यह हर भारत के हर देश, इसके अलावा बहुत सारे देशों में बुद्ध का जो अस्थि अवशेष उसके ऊपर जो स्तूप बनाया गया उसी को शांति स्तूप के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये राजगीर का शांति स्तूप, आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इसी के बीच से रास्ता गया है जो लेक में अभी हम लोग घूम रहे थे, रास्ते के बीच से गया है घोड़ा कटोरा लेक। देख रहे हैं यही विश्व शांति स्तूप है राजगीर का, और बुद्ध का जो अवशेष होता है उसको जहाँ जहाँ रखा गया है उसी के ऊपर स्तूप बनाया गया है। ये हमारा राजगीर का विश्व शांति स्तूप है। ये आप देख सकते हैं बुद्ध का एक प्रतिमा। अभी मैं इस शांति स्तूप पे चक्कर लगा रहा हूँ, इसके बाद वापस नीचे जाऊँगा और फिर ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के फिर वापस पटना। आज मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाऊँगा और ज़्यादा समय भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हमको वापस भी पटना जाना है। और ये सब नज़ारा, आप यहीं खड़ा रही का ऐसे खड़ी हो जाओ। ये सभी बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं हैं। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसका रीज़न ये है कि घोड़ा कटोरा लेक में मैं शेयरिंग ऑटो में गया था, वो वहाँ पे बहुत लेट कर दिया जिसकी वजह से वो वहाँ से आने में ही 3:15 हो गया, और हमको यहाँ से वापस लौटना भी है इसके वजह से। इस स्तूपा के पास एक छोटा सा मार्केट कर सकते हैं जहाँ पर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं छोटा सा मार्केट बोधगया शांति स्तूपा के पास जहाँ पे आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अगर 10 मिनट में मैं स्टेशन बस स्टैंड पहुंच पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं स्टेशन चला जाऊंगा, वहां से फिर ट्रेन पकड़ के फिर पटना जाऊंगा। बस पहुंच गए, अब उतर गए हैं, अभी निकलते हैं बाहर, उसके बाद देखिए कितना जल्दी स्टेशन पहुंच पाते हैं या बस। फिर राजगीर से वापस पटना जाने के लिए 11 की गाड़ी पकड़ ली है, वहाँ से फिर पटना। बिहार शरीफ में बस में बैठ गए और कुछ 3 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे।